राजधानी के जयसिंहपुरा खोर में अवैध निर्माण जोरों पर, इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण जोरों पर। यहां अजर अमर महादेव मंदिर के पास बना दी अवैध दुकान, एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ बना दी 15 दुकान। रामरूपा रामपुरा में मुख्य सड़क पर हाल ही दुकानें बना दी। ऐसा नहीं है कि इलाका जेडीए रीजन से बाहर है, और ये भी नहीं है कि सभी 15 दुकानें सड़क पर अचानक से प्रकट हो गई। पिछले एक दो महीने से इन दुकानों का निर्माण चल रहा था, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जेडीए प्रवर्तन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यह तो तब है जबकि इलाका शामिल है इकोलॉजिकल जोन में भी, और इसमें अवैध निर्माण को रोकने के हाईकोर्ट के भी सख्त आदेश है। ऐसे में उठ रहा है सवाल कि क्या प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से ये निर्माण हुआ है? क्या जेडीए में तैनात डीआईजी कैलाश बिश्नोई करेंगे मामले में प्रभावी कार्रवाई? और ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि बात यहाँ इकोलॉजिकल जोन में बने अवैध निर्माण की है। एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश है, दूसरी तरफ इकोलॉजिकल जोन है अपने आप में महत्ता इसकी खासी, और दूसरी तरफ जो दुकानें बनाई हैं वो एक नहीं बल्कि 15 दुकानें हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक दुकान का अवैध निर्माण हुआ होगा तो अगर नजर नहीं पड़ी तो क्या जब इस संख्या 15 तक गई तब भी नजर नहीं पड़ी, या फिर कुछ और बात इसमें निकलकर सामने आ सकती है? क्या किसी तरह की कोई मिलीभगत की भी सूचना है? लेकिन अगर है तो फिर क्या इस पूरे मामले में जेडीए में तैनात डीआईजी की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रभावी कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी, और होगी तो कब तक होगी, और क्या एक्शन लिया जाएगा पूरे मामले के सामने आने पर, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन तस्वीरें आई हैं जयपुर से, ये अवैध निर्माण से जुड़ी दुकानों की है। 15 दुकानें बना दी गई, लेकिन अब किसके इशारे पर हुआ ये स्पष्ट होना भी बाकी है, या फिर इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अवैध निर्माण यहाँ जोरों पर चल रहा है और नाक के नीचे से ही ये सब कुछ हो गया। अजर अमर महादेव मंदिर के पास अवैध दुकानों की चर्चा, इकोलॉजिकल जोन जिससे जुड़े कुछ नियम है, हाईकोर्ट के भी सख्त आदेश है, और ऐसे में अवैध निर्माण यहाँ नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार ग्राम रूपा रामपुरा में ऐसा कृत्य किसके कहने पर हुआ ये साफ होना बाकी। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, ये खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि बात 15 दुकानों की हो रही है। 15 दुकानों में क्या एक बार भी नजर नहीं पड़ी, या फिर मामला कुछ और ही कह रहा है अभिषेक? बिल्कुल शिखा, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो मेन सड़क है उस पर ये 15 दुकानों का निर्माण किया गया है, और ये दुकानें आजकल में अचानक नहीं बनी है, पिछले एक दो महीने से इसका काम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवैध दुकानें बन चुकी हैं, जबकि ये इकोलॉजिकल जोन है। गुलाब कोठारी जो प्रकरण था उसमें हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं कि जो इकोलॉजिकल जोन मास्टर प्लान 2011 में है उसको इस मास्टर प्लान में भी इकोलॉजिकल जोन के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा, और यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा कोई निर्माण नहीं होना चाहिए किसी तरह का आवासीय व्यवसाय जिसके तहत यहाँ पर यहाँ की जो इकोलॉजिकल जोन की सेंटिटी है वो खराब हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ निर्माण हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों के नामकरण भी किए जा चुके हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि ये दुकानें बनने के बाद बिक भी चुकी हैं, और ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि किस तरह से अवैध निर्माण बेरोकटोक चल रहे हैं। जी अभिषेक, कुछ एक्शन की खबर सामने आ पाई अब तक इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये जो खबर है इसको लेकर जेडीए का जो प्रवर्तन शाखा है वो उसको लेकर अभी जब ये खबर आप प्रसारित करेंगे तो उसके बाद उम्मीद है कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा हरकत में आएगी और इस मामले में एक्शन लेगी। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए, जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव बता रहे थे कि नामकरण भी हो गया, यानी कि सवाल एक तरफ दुकानों को लेकर उठ रहे थे, अवैध निर्माण को लेकर उठ रहे थे, लेकिन अब सवाल एक और इसमें जुड़ गया है कि नामकरण तक हो गया, यानी कहीं ना कहीं दुकानों को बेचा भी जा चुका है, लेकिन किसके कहने पर, यह सवाल अभी भी बरकरार, अब साफ होगा एक्शन के बाद।